अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। इसमें हमें ब्रेड की साइज़ को काटना, बेलना, अंदर फिलिंग करना, ये सब प्रोसीजर्स नहीं है। आसान तरीके से हम ब्रेड रोल्स बनाएंगे और 250 ग्राम चिकन में काफ़ी सारे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक टेबलस्पून मक्खन ले लिया एक वोक में। मक्खन में हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके। एक मीडियम साइज का प्याज लेकर हमने अच्छी तरह चॉप किया, साथ में हम 2 से 3 हरी मिर्चियां भी डालेंगे, कट किया हमने बारीक बारीक। अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ों को हम पकाएंगे, नरम करेंगे, तो इसलिए चलाते रहें, छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर तो प्याज ब्राउन होने लगेगी। 2 मिनट के बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। 1/4 कप यूज़ किया हमने स्वीट कॉर्न को, हमने बॉईल नहीं किया है, बस इस तरह चलाते हुए पकाएंगे 1 मिनट, तो वो गल जाएंगे, जल्दी गल जाते हैं। स्वीट कॉर्न को डालकर इसमें बस हमें 1/2 मिनट हुई है, हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये 250 ग्राम चिकन है जिसे हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया और बाद में इस तरह से श्रेड कर लिया है। सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह 2 से 3 मिनट हमने चिकन के पीसेस को भी फ्राई कर लिया। हम इसमें 1 कैप्सिकम डालेंगे मीडियम साइज़ का, उसे भी हमने छोटा छोटा बिल्कुल चॉप किया। कैप्सिकम डालने के बाद बस हम इसे इस तरह चलाएंगे और 1/2 मिनट पकाएंगे। 1/2 मिनट के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। 2 बड़े आलू लेकर हमने बॉईल किया और फिर अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। 1 टीस्पून के करीब नमक भी डालेंगे। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमें लो करना है और अच्छी तरह पहले सारी चीज़ों को मिला लेना है। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिलाया, हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर ओरिगैनो नहीं है तो ओरिगैनो को स्किप कर दें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। मिक्सचर को तो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिए हैं, ये साइज़ के हमने 8 स्लाइस ब्रेड लिए हैं। साइड्स को हमें कट नहीं करना है, बस ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके एक बोल में डाल देंगे। ब्रेड पर हमें दूध पोर कर देना है, ये वही दूध है जिसे हम बॉईल करके ठंडा करके रखते हैं। 100 ml दूध डालेंगे, यानी 1/2 कप दूध से थोड़ा कम। 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि ब्रेड अच्छे से दूध को सोक कर ले। 5 मिनट के बाद हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से, बड़ी आसानी से ये मैश हो जाएंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हम यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मिला रहे हैं 1 कप। आप अगर चीज़ नहीं चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपकी पसंद की चीज़ डाल सकते हैं, प्रोसेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे चॉप करके, एक बार मिलाएंगे। वो चिकन का मिक्सचर ठंडा भी हो चुका है, इसे डाल देना है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी मिलाएंगे बाइंडिंग के लिए, 1 टेबलस्पून घी। ये जगह पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। हमने यहाँ पर चीज़ डाली है इसीलिए नमक और ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चीज़ नहीं डाल रहे हैं तो शायद थोड़ा नमक डालना पड़े, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा ब्रेड यूज़ किया है। तो सारे मिक्सचर को एक बार बनाकर टेस्ट करें फ्राई करने के पहले। अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारा मिक्सचर इस तरह का है,
बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा घी भी मिलाया, तो सॉफ्ट होगा तो आसानी से हम इसके सिलेंडर्स बना सकेंगे यानी कि रोल बना सकेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप इसका इजहार कर सकते हैं एक लाइक के ज़रिए, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आप लाइक का बटन दबाएं और हम यूं गए और यूं आए। तो अगर आपका मिक्सचर इस तरह का नहीं है तो आप कुछ बूंदें दूध की या थोड़ा सा घी और डाल दें और इसे स्मूथ कर लें। हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लिया हमने। इस तरह से हम पहले स्मूथ राउंड बॉल बनाएंगे, फिर बाद में इसे इस तरह से लंबा कर लेंगे। इस तरह से ये साइज और शेप के हम सिलेंडर्स बना रहे हैं। हमने ये साइज के 35 रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम रोल्स को मैदे से डस्ट करेंगे। मैदे से डस्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इस पर अंडे की कोटिंग करेंगे तो अंडा अच्छी तरह चिपक जाता है मैदे की कोटिंग करने से। फिर हमें इसे अंडे में डिप करना है। लास्ट में हम इसे ब्रेड क्रम से डस्ट करेंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इससे कोई भी फ्राई आइटम बहुत ही क्रिस्पी बनती है, ज़्यादा ऑयल भी सोक नहीं करती और हमें क्रिस्पी फ्राई आइटम्स अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के ब्रेड क्रम्स आसानी से घर पर बनाकर स्टोर करें। बगैर फ्रिज के आप ब्रेड क्रम्स को 6 महीनों तक एयरटाइट कंटेनर में बाहर स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस ये फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। ऑयल को पहले हमने अच्छी तरह से गर्म किया और फिर फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हमारे रोल्स में सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेंगे। अलट पलट करते हुए हम अच्छी तरह से इन्हें इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।